क्या करता, मजबूरी थी। लेकिन एंड टाइम पे रयान के बच्चे ने सारा मामला खराब कर दिया। तो डिवोर्स वाली बात का किसी को घर में कुछ अंदाजा है? आजकल तहरीरी सबूत के बगैर कोई किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही बात मेरे हक में बहुत बेहतर है। लंबा हाथ मारने का इरादा है तेरा? क्या करूं, जब माफी वाला फार्मूला काम नहीं आया तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं तेरा साथ दूंगा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जितनी बड़ी डील होगी उतना बड़ा मुनाफा। पक्का? पक्का डील। बेटा इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। मां मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे। तुम्हें अपने वालदैन को बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। ये तो तुम जानते ही हो ना बेटा कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आपको तो मेरी खुशी अजीज है, लेकिन बाबा जान को नहीं। तो तुम मुझे तो बताते। क्या कर लेते हैं आप मां, उस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। निकाह के अगले दिन ही तो चची जान की डेथ हो गई थी। ये सारी सिचुएशन मैंने कैसे संभाली, आपको क्या बताऊं? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अगर घर वालों को तुम्हारी और रोशनी की शादी की खबर हुई तो न जाने। मैं आपको बता रहा हूं मां, अगर किसी ने भी मेरे और रोशनी के बीच में आने की कोशिश भी की ना, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो बाबा जान हो चाहे वो दादा जान हो। और यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, फिर तुम कोशिश करो उमर को ढूंढने की। बेटा मैं चाहती हूं कि रोशनी को भी वही इज्जत और तहफ्फुज मिले जो रानिया के पास है। सच मां, आप नाराज नहीं है? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुमने एक अच्छी राह का इंतखाब किया। बस परेशान हूं और डर लग रहा है। आप मेरे साथ होंगे ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। जी तेरे। इतनी देर हो गई है, रायान अभी तक नहीं आया। फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों परेशान हो? मुझे समझ नहीं आ रही रायान, आखिर बड़े अब्बा ने मुझे मजबूर किया था। तो डट जाना। देखो रोशनी, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, मैं ऐसे कुछ होने नहीं दूंगा। आप नहीं जानते, घर में सब लोग जिस तरीके से मुझे देखते हैं, मुझे खुद से शर्म आती है। रोशनी थोड़ी देरों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पता नहीं मैं सबका सामना कर भी पाऊंगी या नहीं। कम ऑन रोशनी, तुम जैसी बहादुर लड़की से इस बात की तवक्को नहीं है मुझे।
रायान आप नहीं जानते, आज पप्पो ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे। करेंगे रोशनी, सब करेंगे। बस एक बार मेरी उम्र से मुलाकात होने दो, उसके बाद मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। It's gonna be okay, all right? रायान, मुझे लगता है कोई आ रहा है, चुप जाओ। रायान, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ वो अब उठ गई और मेरी याद आ गई तुम्हें? तो और क्या, मैंने देखा तुम रूम में नहीं थे, मैं परेशान हो गई। हाँ वो बस मेरी नींद खुल गई तो सोचा वॉक कर लेता। क्या हुआ, नींद क्यों खुल गई तुम्हारी? ऐसे ही बस कभी कभी हो जाता है। खैर अब तो मुझे भी नींद आ रही थी, चले। मुझे देखते ही नींद आ गई। नहीं नहीं बस मैंने यही सोचा था कि अभी अंदर जा रहा हूँ, तुम आ गए। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरे तो दिल चाह रहा है हम एक कॉफी पिए, मूवी देखें। अंदर अंदर चल के बात ना करें। ओके तो फिर कॉफी तुम बनाओगे मेरे लिए? ओके मूवी मूवी भी तुम ही दिखाओगे? ओके चलो फिर।